हेलो दोस्तों, तो अभी इसको हम लोग अच्छे से साफ़ कर लेंगे। ठीक है, तो इसको मैं फटाफट साफ़ कर लेता हूँ। इसमें जो भी बॉर्डर पे जो भी कचरा रहेगा ना दोस्तों, उसको अच्छे से क्लीन कर लेना। ठीक है, इसमें जो रहता है ना दोस्तों, ये कोने कोने में पुराना गम रहता है। हम लोग को अगर अच्छे से डिस्प्ले बैठाना है तो उसको साफ़ करना ही पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, उसको मैं प्रॉपर साफ़ करके फिर आता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों अभी हम लोग इसमें गम लगा लेंगे अच्छे से। ठीक है, इसके बॉर्डर साइड में हर बार वीडियो में मैंने बताया, इसके बॉर्डर पे अच्छे से गम लगाना। ठीक है, यहाँ से थोड़ा संभाल लीजिए क्योंकि यहाँ पे हमारा कैमरा सेक्शन होता है। ठीक है, इसे हमें यहाँ पे भी लगा लेना फटाफट। तो देखिए अभी दोस्तों हम लोग ये सब तरह से लग गया, हमारे पास डिस्प्ले है। ठीक है, देखिए नया डिस्प्ले है, तो अभी हम लोग इसको बैठा देंगे प्रॉपर अच्छे तरीके से, आराम से स्मूथली। ठीक है, इस पर रख देना हमको, हल्का हल्का प्रेस कर देना। ठीक है, धीरे धीरे पैक वो कर देना। ठीक है, अब देखिए ये प्रॉपर तरीके से बैठ गया है। ठीक है, अब इसको हमको यहाँ पे इसकी स्ट्रिप लगा देना है। ठीक है, अब इसको हम लोग को रबड़ मार लेना है फटाफट, थोड़ा ध्यान से। ठीक है, तो हम लोग रबड़ को छोड़ते हैं तो हमें बैक के साइड छोड़ना, ना कि फ्रंट में। ठीक है ना, तो देखिए दोस्तों ये तो हमें इसके प्रॉपर तरीके से लगा लेना है। ठीक है, देखिए ये हो गया इधर, अब खड़े में भी हमें वो लगा लेना है। दो रबड़ इधर और दो रबड़ इधर, इतना रबड़ लगाएंगे आप तो क्या होता है, प्रॉपर फिटिंग हो जाता है। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग का तैयार हो गया है। ठीक है, इसके बाद हम लोग को आराम से इसको देख सकते हैं, पूरी तरफ एकदम फाइनल हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग को क्या है, जब ये सूख जाएगा इसको 3 से 4 घंटा रखना है ऐसे ही। जब ये प्रॉपर सूख जाएगा तो इसके पीछे का जो भी बैटरी वैटरी रहता है सब फिटिंग वटिंग अच्छे से कर देना। ठीक है, मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे न्यू न्यू वीडियो में लाते रहते। बाय बाय दोस्तों।